देख ले आपके बाल हमने लगा लिए, नाम में बाल उतारे हम बाल लगा लिए। मिला तो मुझे बता दो सर। बैठे सर, हमें बड़ी खुशी हुई है आपको देख के। वी लॉस्ट ऑफ बेटर लोग भी देखते हैं आपसे पहले के देखते हैं बात करेंगे ऐसे ही। हम आज ही कैबिनेट पहले ही आपके साथ ही खान साहब के निकाले जाने के बाद बाकी भी आपके साथ। खान साहब के निकाले जाने के बाद बाकी भी आपके साथ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है जिसने पीटीआई के लोटे लपाड़ों में मशहूर कर दिया और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करेक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं मालवत के साथ, तोशा खाना से लेके और फरा गोगी से लेके और मलगरिया से लेके, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई और आपको फैज मीर के जो केसेस लगने शुरू हुए वो आपके सामने। तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ अंधों में खाना है, अंधों में खाना है, बाकी ना ये मजहबी पेशवा है ना ये करेक्टर वाला इंसान है कि आप इसे मजहबी पेशवा बनाए ना इसका। और मेरा कोई कंपैरिजन बनता है कि मेरे स्टूडेंट उसके साथ कंपेयर करें, भाई नहीं अल्लाह के बंदो छोड़ दो, मैं ना इसका और मेरा क्या 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 बोला आपने? इमरान के साथ आपका कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन? उसने तो मुल्क के जागीरदारों को सिंध के गोठ में वाड़ के रख दिया हुआ है। हाकम अली जरदारी का लड़का, तीन बार का हुक्मरान, दो सीटें लेने की मुल्क में हैसियत नहीं छोड़ी उसने। मुल्क के सबसे बड़े सरमायादार, लोहा कूट के 36,000 करोड़ कमाने वाले काउंसलर बनने के लायक नहीं छोड़े। जलसा लाहौर में होता है, बलूचिस्तान से बस भर के लाते हैं लोगों की। उसने तो बड़े बड़े सरमायादार, ओहदेदार, जागीरदार औकात याद करवा के रख दी उनकी। मिर्जा तो शह ही कोई नहीं, और तू तो शह ही कोई नहीं, हैसियत ही कोई नहीं। दी इमरान खान, ग्रेट इमरान खान के सामने कंपेरिजन। वलीउल्लाह इमरान है, वलीउल्लाह बिल्कुल वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त है इमरान खान, अक़वामे मुत्तहिदा में नामूसे रिसालत का मुकदमा लड़ने वाला, हाथ में तस्बीह तहज्जुद की नमाज, मुल्क में बच्चों के लिए दरसगाहें बना दी उसने, सीरत नबी के ऊपर कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, अस्पताल बना के लाखों लोगों का मुफ्त इलाज करवा रहा है। ये वलीउल्लाह नहीं होता तो क्या तू वलीउल्लाह है? जुलम के कमरे में बैठ के उसको गाली, उस पे बोतान, उस पे इल्जाम, ये लौंडा वो लपाड़ा। इज्जत चाहिए इनको मजहबी पेशवा वाली, कहते मजहबी पेशवा नहीं है, आप मजहबी पेशवा हैं, आपको मजहबी पेशवा वाली इज्जत चाहिए। खुशी तुम्हें मतीउल्लाह जान से मिल के होती है, आधी अकेडमी पहले उनके साथ होती है, आधी इमरान खान के उतरने के बाद हो जाती है। इज्जत चाहिए मजहबी पेशवा वाली। मजहबी पेशवा का काम होता है दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना, दीन की हिफाजत के लिए खड़े हो जाना। जाओ फलस्तीन में जंग लगी हुई है, निकालो घोड़ा जाओ, मजहबी पेशवा वाली इज्जत देंगे हम। लाखों करोड़ों स्टूडेंट हैं जी इनके पाकिस्तान में, जो वीडियो देखते हैं इनका स्टूडेंट हो जाता है। निकालो, कितने निकाले हैं फलस्तीन में घोड़े पे बिठा करके हैं। इज्जत चाहिए इनको मजहबी पेशवा वाली, और हकीकी आजादी की जंग लड़ने वाले मुजाहिदों को लौंडा लपाड़ा, लौंडा लपाड़ा कह रहे हैं। मैंने वीडियो बनाई थी कल, बड़े प्यार मोहब्बत से समझा करके इनके बोहतान, इल्ज़ाम और झूठ कैमरों के सामने बयां करके दिखाए थे लोगों को कि ये इल्ज़ाम और बोहतान लगा रहा है कि इमरान खान ने कहा था कि मैं फरिश्ता हूँ। क़यामत की सुबह तक चैलेंज दिया कि बताओ इमरान खान ने कब कहा मैं फरिश्ता हूँ, उसने कब कहा मेरे से ईमानदार लीडर पहले नहीं आया। क़यामत की सुबह तक मेरा आपको चैलेंज है, आप इमरान खान का वो बयान हमें ला करके दिखाएं जिसमें इमरान खान ने ये कहा हो मैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर फरिश्ता हूँ। मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, लोगों से आकर के माफ़ी मांगूंगा। झूठी खबर दिखाओ अरशद शरीफ की। अरशद शरीफ जिंदगी में इंतहाई मेहनत और कड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके टीवी पे बैठता था और पाकिस्तान के इदारों की बनाई गई रिपोर्ट्स लोगों को दिखाता था कि ये देखें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के नौकरों के अकाउंटों से 16-16 अरब रुपए निकल रहे हैं। मेरा आपको क्यामत की सुबह तक चैलेंज है, जैसे आप कहते हैं ना क्यामत की सुबह तक, क्यामत की सुबह तक आपको चैलेंज है अरशद शरीफ का वो बयान दिखाएं जिसमें उसने झूठ बोला हो, लोगों से पगड़ियां उछाली हो। इमरान रियाज की झूठी खबरें दिखाओ, मत करो इंजीनियर साहब, समझाया था आपने, कहा इमरान रियाज ने झूठी खबरें चलाई। क़यामत की सुबह तक आपको मेरा चैलेंज है, इमरान रियाज की झूठी खबर आकर के हमें बताएं। बोहतान लगाया है आपने इमरान रियाज के ऊपर, आज तो ये खुल के सामने आ गए, हमको लौंडा लपाड़ा कह रहे हैं। भाई आप तो घर तक छोड़ के आते ना, हम तो सुरंग में वाड़ के आएंगे, सुरंग में वाओ, तुम्हें समझ ही नहीं है, आपको किसी ने बहका दिया, आपको पता ही नहीं है ये हो क्या रहा है, ये आज़ादी की जंग है, हमारे सर्वाइवल की जंग है, ये हमारी जीने की जंग है, जिंदा रहने की जंग है, इसमें पीछे नहीं हटेंगे हम।
70 साल से आज मुल्क इस जगह पे खड़ा है कि आटे की लाइनों में बूढ़े बुजुर्ग वालदैन हमारे मर रहे हैं। किस लिए? कि जब भी इनके शिकंजे से खुद को आजाद करवाना चाहा तो आप जैसे मुल्ला आ गए हमें फजाइल बयान करने। वो गज़वा हिंद लड़ना है, इस्लाम का किला है, फरिश्ते मदद को उतरते हैं। हमको बहका दिया, पागल बना दिया, हम पागल बन गए, फिर बातों में अब नहीं आएंगे। इस जंग के लिए अरशद शरीफ ने माथे में गोली खा ली, इमरान रियाज ने जबान कटवा ली अपनी, जिले शाह को मार के सड़कों पे फेंक दिया, 16,000 लोग FIRें भुगत रहे हैं दहशतगर्दी की। इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे, हमारे लीडर ने खून बहाया है अपना, गोलियां खाई हैं, जेल में कैद है। ये हमारे सर्वाइवल की जंग है, हक की तरफ अगर खड़े नहीं हो सकते आकर के ना, तो बुजदिलों की तरह खामोश बैठ जाओ, लेकिन हमारे सामने आकर के खड़े मत होना। ये हमारे सर्वाइवल की जंग है, ये सियासत की जंग नहीं है। आपको समझाया था, एक बार फिर समझा रहे हैं आपको, इस हकीकी आज़ादी की जंग में कौम के सामने आकर के खड़े मत होइएगा।